सो गाइस, अब इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं स्मैकडाउन और रॉ को पूरी तरह से डिटेल में, जहाँ पे कि आपको हम देखने को मिलेगा इस वीडियो में रॉ और स्मैकडाउन के लोगों का कंपैरिजन, दोनों के ग्राफिक्स का कंपैरिजन, देन यहाँ पे जो स्टेज अभी तक रिवील नहीं हुआ उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे, और उसके बाद दोनों के रोस्टर्स और सुपरस्टार्स के बारे में कंपैरिजन करेंगे। तो ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, और ड्राफ्ट से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और स्मैकडाउन मूव से पहले भी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप बहुत कुछ जान जाओगे स्मैकडाउन और रॉ के बारे में कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान कर रही है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस, पहले यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं हम लोगों के कंपैरिजन से। जो सामने आप लोगों देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, वो है मंडे नाइट रॉ का लेटेस्ट लोगो, जो कि यहाँ पे सीजन प्रीमियर के लिए प्लान किया गया, और सीजन प्रीमियर के बाद भी यही लोगो डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के लिए यूज़ करेगी। एटलीस्ट ये लोगो बहुत ज़बरदस्त लगता है पिछले वाले लोगों से अगर हम क्लियरली देखें तो। और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के लोगों से, तो ये आप देख सकते हो लोगो, ये तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, कोई भी बंदा इस लोगो को बुराई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो स्मैकडाउन का लोगो ये बहुत फॉक्सी और स्पोर्टी फील आता है। कंपैरिजन करें हुज लोगो इज़ बेस्ट, तो यहाँ पे एट लास्ट स्मैकडाउन लोगो बेस्ट हमें नज़र आता है, और ये फॉक्स के लिए बहुत बेटर लोगो है। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ग्राफिक्स के बारे में, तो जब आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफिक्स देख रहे हो, ये स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क का ग्राफिक्स, जहाँ पे कि यहाँ पे साशा बैंक्स और शार्लेट, यहाँ पे फोर हॉर्स मोमेंट के टैग टीम मैच का हम यहाँ पे ग्राफिक्स देख रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ज़बरदस्त लगता है, और पिछले वाले ग्राफिक्स से तो ये 100 गुना बेहतर है। यानी ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे स्मैकडाउन पहले से 100 गुना बेहतर हो चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब फॉक्स पे यहाँ पे स्मैकडाउन जाने वाला है, तो और भी बड़े से अरेंजमेंट्स यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है। वो अगर एट लास्ट हम देखें तो ये वाले ग्राफिक्स के बारे में, तो ये ग्राफिक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर नज़र आती है। आगे हम कंपैरिजन करते हैं रॉ के ग्राफिक्स से, लेकिन उससे पहले एक बार इसे आप आराम से देख लीजिए डिटेल में, और देखने में लाइटिंग वगैरह भी अच्छी तरीका से एडिटिंग की गई है इस ग्राफिक्स में। देन यहाँ पर हम रॉ का ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, जो कि आप अभी देख रहे हो एलेक्सा ब्लिस और साशा बैंक्स के बीच का मैच कार्ड, तो ये है रॉ का अपडेटेड यहाँ पर ग्राफिक्स, तो जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। पिछला वाला ग्राफिक्स वो भी उतना बुरा नहीं था, लेकिन हाँ अभी ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है देखने में अगर हम कंपेयर करें दोनों को आपस में। तो अगर हम दो कंपैरिजन करें यहाँ पे स्मैकडाउन के पुराने ग्राफिक्स और नए ग्राफिक्स से, तो नया ग्राफिक्स बेटर है। दूसरे कंपेयर करें हम रॉ के नए और पुराने ग्राफिक्स से, तो रॉ का नया मे भी बेटर है मेरे हिसाब से, और रॉ और स्मैकडाउन के नए ग्राफिक्स में कंपेयर करें तो स्मैकडाउन का ग्राफिक्स ज़्यादा बेटर है। स्टेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, जो कि अभी तक रिवील नहीं किया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई के नए ऑफिशियली, और वो हमें देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन पे आने वाले वीक्स में और रॉ में भी। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करें स्टेज कैसा हो सकता है, तो स्टेज पे देखिए यहाँ पे हमें फिस्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप फिस्ट नहीं जानते हो तो बहुत लंबे समय पहले जब फॉक्स पे यानी TV14 पे यहाँ पे स्मैकडाउन टेलीकास्ट होता था, तो वहाँ पे एटीट्यूड एरा का फीलिंग लाता था डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने एक बड़े यहाँ पे फिस्ट स्टेज से, जहाँ पे कि एक बड़ा सा फिस्ट स्टेज के सामने लगा रहता था, अब देन वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लगता था लुक। अब रॉक स्टेज के बारे में बात करें तो किस तरह का स्टेज हमें देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे रॉक का स्टेज जो है वहाँ पे हमें थोड़ा डिटेल में देखने को मिल सकता है, यानी उसमें अच्छी खासी डिटेल वगैरह से उसे बनाया गया रहेगा, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे स्टेज हमें देखने को भी मिल सकता है। यानी क्लियरली बात करें तो दोनों जो रॉ और स्मैकडाउन ब्रांड होगा, दोनों का स्टेज एक दूसरे को टक्कर देने वाला होगा, क्योंकि दोनों तरफ की ऑडियंस को ज़बरदस्त मज़ा मिले और यूएसए फॉक्स दोनों बराबर होकर चले। अब खैर बात करें तो यहाँ पे दोनों का स्टेज बराबर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें क्लियरली तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का दोनों ही ब्रांड्स है, रॉ स्मैकडाउन दोनों यहाँ पे ब्रांड्स हैं, तो किसी एक ब्रांड को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना ये बेवकूफ़ी होगी किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी इंडस्ट्री के लिए। देन यहाँ पे हम रोस्टर और सुपरस्टार्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे पहले सुपरस्टार्स के बारे में बात करें तो स्मैकडाउन पे ड्राफ्ट के बाद बड़े बड़े सुपरस्टार्स जाते हुए दिख सकते हैं, हालांकि वहाँ पे लेजेंड्स हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे रॉ पे बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे सुपरस्टार्स मिल सकते हैं जो कि फ्यूचर में अपना नाम बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो NXT से आए हुए कुछ सुपरस्टार्स और 205 लाइव के कुछ सुपरस्टार्स, जो कि फ्यूचर में अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में नेम बना सकते हैं और आने वाले समय में चैंप भी बन सकते हैं बड़े बड़े। तो सुपरस्टार्स के बारे में बात करें तो स्मैकडाउन और रॉ बराबर तगड़ा रहेगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों में एक्शन दिखाना चाहेगी और ज़बरदस्त एक्शन दिखाना चाहेगी। और ओवरऑल बात कर ले कौन कौन से बड़े नेम आ सकते हैं यहाँ पे स्मैकडाउन में और फिर रॉ में, तो कहें यहाँ पे स्मैकडाउन में देखने को मिल सकते हैं लेसनर, जो कि पहले से कन्फर्म्ड है, और लेसनर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत से प्लान कर रखे हैं स्मैकडाउन के लिए। लेसनर की बहुत सारी अपीयरेंस वहाँ पे होने वाली है, यानी जैसे हम लेसनर देखने को मिलते थे महीने में एक बार दो बार, अब लेसनर में भी हमें रेगुलर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मैकडाउन को ज़्यादा पे करने वाली है फॉक्स, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा पे करेगी ब्रॉक लेसनर को आने के लिए। और फॉक्स को देखिए यहाँ पे गाइस चाहिए क्या, एक्शन चाहिए, और फॉक्स यहाँ पे जो TVPG पहले होता था, TVPG का मतलब आपको समझा, जैसे कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का पेपर व्यू होता था तो आप वहाँ पे देखते हो ऊपर साइड किसी भी लेफ्ट कॉर्नर में लिखा आता था TVPG, यानी पेरेंट्स गाइडेंस। पेरेंट्स गाइडेंस की बात करें तो जो बच्चे शो देखते हैं उन्हें यहाँ पे पेरेंट्स के नज़र में रहते हुए शो को देखना था, पर यहाँ पे जो फॉक्स है वो चलता है TV14 प्रोग्राम पे, यानी TV14 के बारे में बात करें तो यहाँ पे पेरेंट्स गाइडेंस बिल्कुल नहीं होता है,
यहाँ पे मतलब हमें कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, अलग चीज़ें के बारे में आप खुद समझ सकते हो, आप बहुत समझदार हो। तो ये हल्की फुल्की कंपैरिजन थी, ये पूरा कंपैरिजन नहीं है। जब स्मैकडाउन का न्यू स्टेज आएगा तो अब यहाँ पे आपको पूरा कंपैरिजन दिखाया जाएगा। सो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर अभी तक आपने WWE फैंस नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसे दबा लें, तब आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बस इस वीडियो